नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच है दूसरा टी ट्वेंटी मैच इसकी त, पाँच ड्रीम इलेवन के टीम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग ज़रूर जीत सकते हैं तो दोस्तों उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्लेयरों के स्टार्ट्स दिखाने ऑलआउट जिससे आपको अपनी खुद की विनिंग टीम बनाने में आसानी हो जाएगी हेल्प हो जाएगी चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते मैच के डिटेल्स है इस तरह से ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सेकंड टी ट्वेंटी मैच है और ये मैच आज यानी ट्वेंटी थर्ड ऑफ सितंबर को शाम को सात बजे होने वाला है रेगुलरली भारत में साढ़े सात बजे मैचेस होते हैं पता नहीं यहाँ पर इस बार सात बजे क्यों हो रही और सबसे बड़ी बात है ये नागपुर को मैच होने वाला है तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है प्रोबेबल प्रोबेबले की बात करें तो भारत की प्रोबेबल उन कुछ इस तरह से रहेगी रोहित शर्मा रहेंगे के राहुल रहेंगे विराट कोहली रहेंगे सूर्य कुमार यादव दिनेश कार्तिक हर्षल हार्दिक पांड्या यु चहल अक्षर पटेल जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर और हर्षल पटेल तो इस तरह से ये अगर देख रहे तो टीम रह सकती है भुवनेश्वर कुमार आ, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से भी टीम रह सकती है या फिर भुवनेश्वर कुमार के जगह पे जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं और उमेश यादव कंटिन्यू कर सकते आ गए लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है आ, लग रहा है लेकिन हो सकता है कि उमेश यादव यहाँ पर ड्रॉप हो और जसप्रीत बुमराह उनकी जगह पर आए अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की तो वो यहाँ पे चेंजेस मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो जीते थे पहली मैच एक जीरो से लीड कर रहे एरन आरन फेंटीव स्मिथ टीम डेविड मैक्सवेल ग्रीन इग्लिस मैथेड पैट कमिंस जॉर्ज स्विजलवुड एडम जंपा नेतन एल्स इस तरह से रह सकती है uh, यहाँ पे अगर नागपुर नागपुर की बात कर दिया जाए तो पिच की अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग uh, स्कोर अगर देखा जाए तो वन फिफ्टी नाइन का रहता है और uh, पिच रिपोर्ट की माने तो इधर पिच इज uh, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड हैज़ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस एंड फर्स्ट आउटफील्ड फास्ट आउटफील्ड द एवरेज फर्स्ट इनिंग इज वन सिक्सटी रंस इन टी ट्वेंटी क्रिकेट एंड बोथ द टीम्स विल बी लुकिंग टू बॉल फर्स्ट एंड जेस टारगेट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा दोस्तों सबसे पहली बात तो है एक सौ साठ जैसे कि आपको पहले बताया एक सौ उनसठ का है आउट पर फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल रहता है और अगर बात करी जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग के बाद अगर तो टी ट्वेंटी क्रिकेट में दोनों टीमें यहाँ पर आ, मुझे लगता है कि टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी लेने का फ़ैसला ले सकती है और चेस करने की कोशिश कर सकती है अभी मैं आपको कुछ प्लेयर के स्टैट्स दिखाऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम विराट कोहली के बारे में बात कर लेते हैं हालाँकि पहले मैच में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है लेकिन पिछले सीजन सीज़न नहीं माफ कीजिएगा पिछले जो uh, सीरीज़ हुई थी आशिया कप जिसमें उन्होंने सिर्फ पाँच मैचेस में दो फिफ्टी और एक हंड्रेड लगाई थी और uh, मेरे ख्याल से थर्टी uh, भी था एक उनका उसमें तो काफ़ी शानदार फॉर्म से गुजर रहे थे uh, उस सीरीज़ में अभी फ़िलहाल पहला मैच था तो शायद uh, पहला मैच इतना अच्छा नहीं खेल पाए आगे ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आयरन फिंच की अगर बात करें तो द फर्स्ट मैच इज स्कोर इज थर्टीन ट्वेंटी टू रन एंड थर्टीन बॉल या दोस्तों तेरह गेंदों में बाईस रन किए थे और अभी भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है तिरानवे मैचेस में उन्होंने अट्ठाईस अट्ठा दो हज़ार आठ सौ सतहत्तर रन बनाए हैं दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया uh, के लिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रन उनके नाम हो चुके हैं अगर बात करें तो हमारे uh, जो नेथन इल्स है माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने तीन विकेट्स लिए थे तीस रन दे के हाँ दोस्तों और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की थी और यहाँ पे एक बात और बताना जरूरी है दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ अभी तक चार ही मैचेस खेले और बारह विकेट वो ले चुके हैं यानी काफ़ी शानदार उनका जो भी करियर है छोटा सा काफ़ी शानदार शुरुआत हुई है अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो उन्होंने आपको पता ही होगा कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे पहले टी ट्वेंटी मैच में तीस गेंदों में इकहत्तर रन काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बनाए थे ये रन और इनका अगर ओवरऑल भी अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी तक नौ सौ पचपन रन बनाए हैं चौपन फिफ्टी फोर विकेट्स भी ली है और इकहत्तर टी ट्वेंटी मैचेस वो खेले हैं अभी तक अगर बात करें स्टीव स्मिथ की तो इन्होंने एक एक छोटा पर अच्छा टोटल बनाया था चौबीस गेंदों में पैंतीस रन अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बनाए थे और इनकी भी अगर बात की जाए तो अभी तक छियालीसिस टी ट्वेंटी मैच खेल सके हैं और नौ सौ तिरसठ रन बना चुके हैं एवरेज अगर देखा जाए तो छब्बीस से ज़्यादा का है और स्ट्राइक रेट भी एक सौ छब्बीस से ज़्यादा का है जो कि अच्छा माना जा सकता है अगले जो हॉटपिक्स रहेंगे दोस्तों हॉटपिक्स या टॉपिक्स का हम कह सकते हैं रोहित शर्मा इन्होंने भी पहले मैच में भले ही सिर्फ ग्यारह रन बनाए रुन दोस्तों लेकिन अगर आप देखें तो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो प्लेयर है किस किसी भी देश के लिए आ, मतलब एक सौ सैंतीस मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं और तीन हज़ार छः सौ इकतीस रन बनाए हैं और मार्टिन गप्टील को उन्होंने पीछे छोड़ा है और उनका एवरेज अगर देखा जाए तो थर्टी टू से ज़्यादा का है और स्ट्राइक रेट भी एक सौ चालीस से ज़्यादा का है जो कि बेहतर माना जाएगा अगर बात करें तो सी ग्रीन की तो ग्रीन ने एक एक विकेट लिया था काफ़ी महंगे साबित होते थे गेंदबाजी में सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया था लेकिन दोस्तों उन्होंने उनकी टीम को मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम को एक जीत के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया था तीस गेंदों में इकसठ रन बना के तो इसीलिए इनको भी यहाँ पर लेना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर मैक्सवेल की बात करें तो पहले मैच में इन्होंने ना ही बैटिंग अच्छी कर पाए थे ना ही बॉलिंग अच्छी कर पाए थे लेकिन दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस साथ में लेके आते हैं तो इनको भी ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल है अभी तक उनके ब... मतलब अभी तक उनके करियर में उन्होंने अट्ठासी टी ट्वेंटी मैचेस खेले और दो हज़ार अठारह रन वो बना चुके हैं तीस पॉइंट ग्यारह के एवरेज से और उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ख़तरनाक है एक सौ तिरपन से भी ज़्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है तो इनको भी यहाँ पे मैं मतलब शामिल करने की कोशिश करूँगा अगर बात करें टीम डेविड की इन्होंने चौदह गेंदों में अठारह रन बनाए थे जिसमें एक फोर और एक सिक्स शामिल था और अभी तक पाँच सौ छिहत्तर रन बना चुके हैं सिर्फ पंद्रह टी ट्वेंटी मैचेस में जी हाँ दोस्तों और उनका एवरेज अगर देखा जाए तो चौवालीस से भी ज़्यादा का है और एक सौ सत्तावन से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है यानि एंडिंग में अगर कितने भी रन चाहिए आपको दो सौ का स्ट्राइक रेट चाहिए दो सौ से ज़्यादा का भी अगर स्ट्राइक रेट चाहिए तो भी ये कर सकते हैं यानी कुल मिला के एक हीटिंग पावर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है एबिलिटी हीटिंग की तो इसीलिए ये भी एक अच्छे प्लेयर है अगर बात करें ओवर्ड करने की तो मतलब हम आए अवॉइड किसको कर सकते हैं तो दिनेश कार्तिक को यहाँ पे हालांकि इनको ज़्यादा चांस नहीं मिल रहे हैं इनको काफ़ी लेट भी भेजा जा रहा है लेकिन इनके लास्ट पाँच इनिंग्स अगर देखी जाए टी ट्वेंटी की तो सिर्फ थर्टी थ्री रन बना पाए तो अगर आप एक हाथ टीम में लेते हैं तो कोई प्रॉब बात नहीं लेकिन दोस्तों ज़्यादा इन पर दाव मत लगेगा यजयंद्र चहल की भी अगर बात करें तो पिछले Uh, कई मैचेस में अगर बात करें तो बयालीस रन उन्होंने खर्च किए हैं और तीन पॉइंट दो और uh, देने के बाद वो एक विकेट लेते हैं तो ये भी एक uh, मतलब महंगा साबित होता है दोस्तों तो आप चलते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप पर और देखते हैं वो पांच ड्रीम इलेवन के विनिंग टीम्स जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग ज़रूर जीत सकते हैं तो अब पहले तो मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया था उस पर क्लिक कर लेनी हमें और अगर आपने टीम नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं आपको नीचे जो क्रिएटर टीम का ऑप्शन नज़र आएगा वो उस पर क्लिक करनी होगी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटर टीम का ऑप्शन है और मैंने ऑलरेडी छः टीमें एक्चुअली पांच नहीं छः टीमें बना के रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा रिव्यू करके किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेना है कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते ये सब बातें मैं बताऊंगा लेकिन दोस्तों चलिए उससे पहले टीम माई टीम पर क्लिक करूँगा मैं और पहली टीम में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्यू एड ऑफकोर्स हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी कीपिंग में मैथ्यू एड इसके बाद बैटिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा रिस्की ले रहा हूँ स्टीव स्मिथ सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल को यहाँ पे ले रहा हूँ बाकी किसी और को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास से छूट रहे अफकोर्स रोहित शर्मा छूट रहे विराट कोहली छूट रहे अफकोर्स यहाँ पर एरन फिंच भी यहाँ पर छूट रहे बाकी टीम डेविड वगैरह तो छोटी रहे लेकिन यहाँ इसका एक और फ़ायदा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सवेल हर्षल पटेल हार्दिक पांड्या सी ग्रीन इस तरह से चार अच्छे खासे ऑलराउंडर मेरे पास है जो कि आपको बैटिंग भी करा के दे सकते हैं बॉलिंग भी करा के दे सकते हैं विकटें भी ले सकते हैं रन्स भी बना सकते हैं आपके लिए तो यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली को कोर्स ड्रॉप करना पड़ा है फिंच को भी ड्रॉप करना पड़ा है लेकिन उसका फ़ायदा मुझे जाके यहाँ पर मिलेगा ये अगर डबल पॉइंट दे सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग में तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्लेन मैक्सवेल को लिया है हर्षल माफ कीजिएगा अक्षर पटेल को लिया है हार्दिक पांड्या को लिया है ग्रीन को लिया है तो ये चार ऑलराउंडर मैंने इस टीम में ली अगर बात करें गेंदबाजी की तो ऑफकोर्स हिजलवुड को लेना है जसप्रीत बुमराह अगर खेलते तो उनको ऑफकोर्स लेना है और एन एल्स को भी हमें टीम में लेना ही है कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम बनी है हाँ थोड़ी रिस्की है लेकिन फायदेमंद साबित होने वाली टीम है दोस्तों तो जरूर आप इस तरह से कर सकते हैं Uh, हाँ मेरे पास ऑप्शन भी काफ़ी है मैंने पाँच चार पाँच छः टीमें बनाई हैं दोस्तों तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रीन को मैं इस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन के एल राहुल को बनाना चाहता हूँ आप अगर उल्टा करना चाहे के एल राहुल को कैप्टन और ग्रीन को वाइस कैप्टन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे लगता है ग्रीन ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बैटिंग की थी और गेंदबाजी भी कर लेते हैं एक्स्ट्रा हमें पॉइंट दे सकते हैं एज गेंदबाज भी तो इसीलिए इनको कैप्टन बना रहा हो के एल राहुल को वाइस कैप्टन बना रहा हो अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर किसी और टीम में आप के एल राहुल को कैप्टन बना सकते हैं अभी फिलहाल इस टीम को क्लोज कर लेते हैं और अगली टीम देख लेते हैं यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जे इग्लिस को ट्राई किया है एज अ विकेट कीपर मैथ्यू एड को हर टीम में लेना मतलब थोड़ा अलग कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना पड़ेगा दोस्तों हमें अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने और भी थोड़ा हटके सोचा है और यहाँ पे देख सकते हैं छः बल्लेबाज मैंने इस टीम में शामिल किए रोहित शर्मा है मेरे पास विराट कोहली है मेरे पास स्टीव स्मिथ है मेरे पास एडन फिंच है मेरे पास सूर्य कुमार यादव है मेरे पास के एल राहुल है मेरे पास यानी कुल मिला के वो सभी बैट्समैन है मेरे पास जो कि बैटिंग अच्छी कर सकते हैं यानी आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पर छः बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ यानी कोई भी बैटिंग करे आपको पॉइंट जरूर मिलने वाले सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि काफ़ी अगर आपने देखी होगी ग्रैंड लीग की जो विनिंग टीम जो रहती है वो अगर देखी हो तो ऐसी अटपटी सी टीमें रहती है जहाँ पर गेंदबाज एक तो बहुत ज़्यादा हो जाते या फिर बैट्समैन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पर मैं एक अटपटी सी ये भी टीम बना रहा हूँ तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त टीम रहेगी हमारी तो इस वजह से इस टीम में मैं यहाँ पर छह बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ रोहित शर्मा विराट कोहली स्टीव स्मिथ एरन फिंच सूर्य कुमार यादव के एल राहुल तो इस तरह से भी करेंगे और फ़ायदा हो सकता है इसके अलावा अगर बात करें तो ऑलराउंडर में, में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था तो इसीलिए मैं सिर्फ सी ग्रीन के साथ जा रहा हूँ ऑलरेडी भारत के चार बल्लेबाज हो चुके हैं तो यहाँ पे इसीलिए ग्रीन के साथ जा रहा हूँ अगर आप चाहें तो हार्दिक पांड्या के भी साथ जा सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सूर्य कुमार माफ कीजिएगा यहाँ पर मेरे पास उमेश यादव है हर्षल पटेल है और एन इल्स को मैंने इस टीम में वापस लिया है तो गेंदबाजी भी मेरे पास अच्छी खासी है ऐसा नहीं कि मैंने बल्लेबाजी पर ही ध्यान दिया है गेंदबाजी में नहीं दिया है यहाँ पर उमेश यादव हर्षल पटेल अच्छे रहेंगे ऑप्शन एन इल्स और ग्रीन बियर के अच्छा ऑप्शन रहेंगे तो हर्षल पटेल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं तो यहाँ पे इनको विकेट्स मिलने के काफ़ी चांसेस है उमेश यादव को भी पहली मैच में जिस तरह से विकेट्स मिले थे मिल सकते हैं हाँ एक ही बात कहूँगा अगर यहाँ पे उमेश यादव अगर प्लेइंग इलेवन में नहीं रहते हैं तो यहाँ पर आप जसप्रीत बुमराह को ले सकते हैं जसप्रीत बुमराह को लेंगे तो काफ़ी वो भी फ़ायदा करा के दे सकते हैं तो इसीलिए आपको ऑलरेडी बता के रखता हूँ मैं ताकि आपको समय पे चेंजेस करने में आसानी हो इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और तीसरी टीम देख लेते हैं तीसरी टीम भी और भी हटके मैंने बनाई है अफकोर्स मैथ्यूविड को वापस ले लिया है रोहित शर्मा को इस टीम में ले रहा हो स्टीव स्मिथ है एरन फिंच है के राहुल है तो यहाँ पर मेरे पास से विराट कोहली को ड्रॉप करना पड़ा है विराट कोहली भी एक अच्छे बैट्समैन है हालांकि एक आद हाँ टीम में हम उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि हमें एक ग्रैंड लीग जीतनी है तो जितनी ज़्यादा टीमें हम लगाएंगे उतना ही हम ग्रैंड लीग जीतने के काफ़ी करीब जा सकते हैं और अगर ज़्यादा टीमें लगानी है दोस्तों तो आपको एक ही जैसी टीमें नहीं लगानी हैं अलग अलग टीमें बना के लगानी है कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं कुछ अटपटे से भी चेंज करने हैं जैसे कि विराट कोहली को ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने यहाँ पर उनको भी ड्रॉप कर दिया है हालाँकि यहाँ पर मेरे पास फिर भी चार अच्छे बैट्समैन है और एक अच्छा कीपर है मैथ्यू वेड है रोहित शर्मा है स्टीव स्मिथ है एरन फिंच है के राहुल है उसके बाद बैट बैटिंग की बात करें बा, बैटिंग के बाद अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो यहाँ पर भी मेरे पास तीन ऑलराउंडर है जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकते हैं मैक्सवेल है ह, अक्षर पटेल है हार्दिक पांड्या है अक्षर पटेल ने भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था मेरे ख्याल से तीन विकेटें ली थी तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ये भी अच्छे पिक रहेंगे दोस्तों तो ज़रूर आप इनको भी ले सकते हैं अगर बात करें तो गेंदबाजी में मैंने पैट कमिंस को अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था पिछली दोनों टीमों में ड्रॉप किया था तो यहाँ पर मैं उनको ले लूँगा हर्षल पटेल और एन एल्स तो मेरे पास है ही दोस्तों तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा ख़जाना है बैटिंग भी अच्छी है हमारे पास गेंदबाजी भी अच्छी है और तीन अच्छे ऑलराउंडर्स भी है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तो कर सकते हैं तो कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम बनी है कोर्स इस टीम को भी देख सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन मैथ्यू वेडो ने पहली मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था तो इनको कैप्टन और हर्षल अक्षर पटेल को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहा हो दोनों के दोनों बेस्ट है दोस्तों और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते मैथ्यू एडा अच्छे खासे बैटिंग के साथ साथ कीपिंग कर लेते हैं यहाँ पर आपको डबल ऑप्शन मिल जाता है बैटिंग के साथ साथ कीपिंग में आ, या कैचिंग हो या फिर स्टंपिंग हो या फिर रनआउट हो तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते तो वही अक्षर पटेल बैटिंग में भी थोड़ा योगदान दे सकते अच्छे हिटिंग पावर है इनके पास तो ज़रूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन भी अगर बनाना चाहे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है तो काफ़ी बढ़िया टीम है इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और चौथी टीम में आपको दिखा देता हूँ चूँकि वो भी अच्छी खासी है अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पिछली टीम में विराट कोहली को ड्रॉप किया था इस टीम में मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि आप हर टीम में मतलब एक जैसे प्लेयर नहीं ले सकते और साथ साथ ग्यारह से ज़्यादा तो प्लेयर आप ले ही नहीं सकते तो मैथ्यू एड के साथ साथ पहले विराट कोहली को लिया है आरन फिंच को वापस लिया है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को भी लिया है टीम डेविड को लिया है तो यहाँ पर स्टीव स्मिथ को भी ड्रॉप करके टीम डेविड को लिया है टीम डेविड भी एक अच्छे बैट्समैन है हीटर है अच्छे खासे तो एक हर जगह पर तो कम से कम हम इनको ट्राई कर सकते हैं ना तो इनको यहाँ पे मैं ले लूँगा स्टीव स्मिथ की जगह पे हाला हालांकि मेरे पास टॉप ऑर्डर में मैथ्यूवेड और आरन फिंच तो रहेंगे इसके अलावा मैक्सवेल भी हमारे पास है दोस्तों उसके बाद हार्दिक पांड्या और ग्रीन को भी मैंने ले लिया तो कुल मिला के ऐसा कोई रिस्क हमने नहीं लिया है जो कि हमें नुकसान कारक हो सके तो इसका इस तरह से बात करें तो फिर से मैथ्यू एड है हमारे पास कीपिंग में बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली है हमारे पास एरन फिंच है सूर्य कुमार यादव है टीम डेविड है ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैक्सवेल है हार्दिक पांड्या और क्रिस ग्रीन आ, सी ग्रीन है तो यहाँ पे तीन अच्छे खासे ऑलराउंडर है हमारे पास गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मैंने हटके किया है मतलब थोड़ा रिस्की जरूर है उमेश यादव को तो रखा है लेकिन इसके अलावा यजुवेंद्र चहल को और पैट कमिंस को इन दोनों को यहाँ पे लिया है जो कि पिछले पहली मैच में कुछ भी खास का कर नहीं पाए थे अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक आध टीम में इन दोनों को भी रहने देना चाहिए हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें करा के दे सके तो इसीलिए इस टीम में मैंने इस तरह से किया है तो कुल मिला के एक अच्छी खासी टीम है फिर से अगर बात करें तो इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव को मैंने या। कैप्टन बनाए और मैक्सवेल को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाया आप अगर उल्टा करना चाहे मैक्सवेल को कैप्टन और सूर्य कुमार को वाइस कैप्टन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर किसी और टीम में ज़रूर मैक्सवेल को कैप्टन बना लीजिएगा क्योंकि ये भी अच्छे खासे बैट्समैन तो है ये साथ ही साथ गेंदबाजी भी कर लेते तो ये डबल ऑप्शन हमें देते हैं इसीलिए अगर इनको भी अगर आप कैप्टन बनाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कुल मिला एक अच्छी खासी ये भी टीम बन चुके है इसे भी अभी क्लोज कर लेते हैं और पाँचवीं टीम देख लेते हैं पांचवी टीम की बात करें तो फिर से मेरे पास मैथ्यू वेड है लेकिन बैटिंग में मैं तीन ही बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं विराट कोहली है मेरे पास स्टीव स्मिथ है मेरे पास सूर्य कुमार यादव है मेरे पास इसके अलावा कोई और बैट्समैन नहीं है अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो मैथुअड और स्टीव स्मिथ हो जाएंगे और भारत की तरफ से अगर बात करें तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या तो ये भी टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग के लिए तो ये भी हमारे पास एक एक ऑप्शन हो जाता है बैटिंग के लिए साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेते हैं मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या तो हमारे लिए बैट गेंदबाजी कर लेते हैं अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा बॉलर है उमेश यादव है जल उड़ हर्षल पटेल है, है जसप्रीत बुमराह है और एन एल से तो यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ये दोनों साथ में खेलेंगे या नहीं ये पता नहीं है अगर इन दोनों में से कोई एक ड्रॉप होता है तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को आप ले सकते हैं उनको ले लीजिएगा मैंने ऑलरेडी आपको चेंजेस बता दे रहा हो क्या हो सकते तो इसीलिए अगर इन दोनों में से एक भी नहीं रहता है तो आप ज़रूर भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा अगर बात करें फिर से उमेश यादव है जो स्विजरलूड है पटेल है जसप्रीत बुमराह है और एन इल्स को भी इस टीम में रखा है मैंने तो कुल मिला के एक अच्छी खासी गेंदबाजी स्ट्रेंथ हमारे पास है जो कि आप कोई भी विकेट ले आपको फ़ायदा ज़रूर करा के दे सकते और आपको इस बार भी ग्रैंड लीग जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि फिर से यहाँ पर मैंने थोड़ा हट पटी से टीम बनाई है पांच गेंदबाज लिए है दो ही तीन ही बैट्समैन लिए दो ऑलराउंडर्स लिए तो कुल मिला एक अच्छी टीम लग रही है और ग्रैंड लीग जिताने वाली टीम लग रही है तो इसीलिए इस टीम को मैंने इस तरह से बनाया जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कुल मिला एक अच्छी खासी टीम है ऐसा नहीं कि रिस्की टीम है आप से देख सकते काफ़ी बढ़िया टीम है अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो यहाँ पे मैंने कैप्टन विराट कोहली को अभी तक एक भी जगह पे नहीं बनाया था तो यहाँ पे उनको ज़रूर कैप्टन बनाऊंगा और थोड़ा सा अलग डिसीजन लेना चाहता था मैं हर्षल पटेल को वाइस कैप्टन बना के हालांकि पहले मैच में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके कोई कुछ मतलब खास नहीं कर पाए लेकिन दोस्तों डेथ ओवर्स में यानी एंड में गेंदबाजी करते और एंड में बैट्समैन जल्दी जल्दी रन बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे इनको विकटें मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसीलिए आपको फ़ायदा करा के दे सकते हैं क्योंकि एक और बात पॉइंट है कि काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने इन पर भरोसा किया है एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन मैं तो कहूँगा अगर आप और भी मल्टीपल टीम लगाते हैं क्योंकि आप ड्रीम इलेवन में है ना कि बीस टीमें आप ज़्यादा मैक्सिमम लगा सकते हो तो और भी आप टीमें लगाएंगे तो आप ग्रैंड लीग जीतने के काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं दोस्तों क्योंकि बीस टीमें अगर लगाते हैं तो एक कम से कम एक भी टीम अच्छी पड़ जाती है तो हमारी ग्रैंड लीग जितना फिक्स हो जाता है तो इसीलिए हर्षल पटेल को भी अगर कहीं ना कहीं अगर कैप्टन भी बनाते तो भी आपको फायदा हो सकता है लेकिन फिलहाल इस टीम में मैं उनको वाइस कैप्टन ही रखूँगा कैप्टन नहीं बनाऊँगा विराट कोहली को अभी तक एक भी जगह पर कैप्टन नहीं बनाया था उनको कैप्टन ज़रूर बना लूँगा तो कुल की एक अच्छी खासी टीम बनी है अब इस टीम को भी अभी क्लोज करते और छठी और आखिरी टीम भी अभी देख लेते यहाँ पे देख सकते हैं दिनेश कार्तिक को मैं ले रहा हूँ मुझे पता है थोड़ा रिस्की है लेकिन एक टीम में आप कम से कम ले सकते हैं सोचिए दोस्तों भारत की तरफ से अगर इन्होंने एक अच्छी हिटिंग पावर दिखा दी और तीस चालीस चालीस भी रन बनाए तीस रन भी बनाए इन्होंने और दस पंद्रह गेंदों में भी बना लिए तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे सकते तो इसीलिए यहाँ पर एक टीम में मैं इनके साथ जरूर जाऊँगा उसके बाद अलावा अगर बात करें बैटिंग में, में मेरे पास तीन चार बैट्समैन है विराट कोहली है स्टीव स्मिथ है अरुण फिंच है और सूर्य कुमार यादव है हालाँकि मुझे यहाँ पर के एल राहुल को भी ड्रॉप करना पड़ा है और रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करना पड़ा है लेकिन दोस्तों फिर से कहूँगा हर टीम एक जैसी रहेगी तो हमारे जीतने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए अगर आ, हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही टीम हमें हाँ बनानी चाहिए अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो यहाँ पर मैक्सवेल है हार्दिक पांड्या है और ग्रीन है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है के राहुल और रोहित शर्मा अगर छूटे हैं तो मेरे पास स्टीव स्मिथ और आरअ साथ में अभी तक एक भी टीम में नहीं आए थे तो यहाँ पे साथ में आ गए उसके अलावा मेरे पास तीन ऑलराउंडर है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर ये मैक्सवेल है पांड्या है ग्रीन है ये भी इन्होंने कभी कई बार मैचेस पलटे हैं दोस्तों तो इसीलिए इनको लेना भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप नहीं भी चाहते तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं लेकिन गेंदबाजी की बात कर लेते तो भुवनेश्वर कुमार को अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था मैंने जसप्रीत बुमराह को लूँगा उसके साथ पैट कमिंस को भी इस टीम में शामिल करूँगा तो कुल मिला के अच्छी खासी गेंदबाजी भी है मेरे पास आ, मतलब अगर बुमराह और भुवनेश्वर इन दोनों को साथ में अभी तक नहीं लिया था तो यहाँ पे उन दोनों को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो कुल मिला ये भी एक अच्छी खासी और बेस्ट टीम बनी है दोस्तों और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रिस्क है हाँ अगर रिस्क है भी तो यहाँ पे मैंने के एल राहुल और रोहित शर्मा को जो ड्रॉप किया तो कहीं ना कहीं उनको लिया है और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाया है पहले लेकिन अभी तक हार्दिक पांड्या मुझसे छूट गए थे एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में और इनको कैप्टन बनाना काफ़ी फायदेमंद रह सकता है जिस जे, जे स्तर से उन्होंने पहली मैच में खेला है तो इसीलिए यहाँ पर इनको कैप्टन और स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ दोस्तों तो कुल मिला के स्टीव स्मिथ भी अभी तक मेरे छूटे थे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन अभी तक नहीं बना पाया था और मुझे लगता है अगली मैच में स्टीव स्मिथ के बल्ले से अच्छे रन आने वाले तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो इसीलिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन और स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाया तो कुल मिला की एक अच्छी खासी टीम है ऑफकोर्स इस टीम को भी आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा इसके अलावा भी इस टीम को भी क्लोज करते हैं और मैं कुछ और कैप्टन का आपको ऑप्शन ज़रूर बताऊँगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते मैंने आ, के एल राहुल को जी हाँ दोस्तों के एल राहुल को कहीं भी कैप्टन नहीं बनाया तो आप जरूर के एल राहुल को कैप्टन बना के एक टीम बना सकते इसके अलावा विराट कोहली को तो मैंने बनाया है अक्षर पटेल को लेकर भी मतलब कैप्टन बना के भी एक अच्छी टीम बना सकते हैं आप आ, अगर या फिर उल्टा करना चाहे अक्षर पटेल को कैप्टन और मैथुएड को वाइस कैप्टन तो भी कर सकते मैक्सवेल को मैंने कहीं भी कैप्टन नहीं बनाया दोस्तों तो आप ही मैक्सवेल को भी कहीं ना कहीं कैप्टन बना सकते उसके अलावा अगर देखेंगे तो स्टीव स्मिथ को भी एक अच्छे बैट्समैन है हम सबको पता है तो इनको भी अभी मैंने कहीं भी कैप्टन नहीं बनाया तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन आप ट्राई कर सकते के एल राहुल को ज़रूर कहीं ना कहीं कैप्टन बनाइएगा दोस्तों क्योंकि मैंने छः टीमें बताई है और आप मैक्सिमम बीस टीमें लगा सकते तो आप और भी टीमें लगाएंगे तो आप ही को ही ज़्यादा फायदा होगा आप ग्रैंड लीग जीत सकते और ग्रैंड लीग जीतने के काफ़ी करीब जा सकते हैं तो आई होप आपको मेरी सभी टीमें और मेरा सभी स्टैट्स जो मैंने बताए वो पसंद आए होंगे वो वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को भी अगर, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टेड रहे और आप अच्छे से अर्निंग करते रहे साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको कि किसे ड्रॉप किया गया और आप किस किस जगह पे उस मतलब उसकी जगह पे किसको ले सकते और कुछ भी और अपडेट रहते तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ और सबसे बड़ी बात है प्लेइंग इलेवन में क्या चेंजेस रहे हैं वो भी मैं टेलीग्राम पर डालूंगा तो आई होप वीडियो पसंद आए होगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद और गुड बाय